मैं वधु पक्ष से जैन परिवार का आप सब जैन परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबको मेरी राम राम। ये कहानी है तीन दोस्तों की, मैं आप लोग का 30 से 40 सेकंड लूँगी। इजाज़त है? थैंक यू। ये कहानी है तीन दोस्तों की। मेरी एक फ्रेंड जो US में बैठी हुई है और सांझी की शादी अटेंड नहीं कर पा रही है, तो हम दोनों ने सांझी के लिए कुछ लिखा है। बचपन तेरे साथ कुछ ऐसे बीता, बचपन तेरे साथ कुछ ऐसे बीत गया, परियों की कहानी में हमको ले गया, परियों की कहानी में हमको ले गया। जो पल हमने बिताए साथ में वो इतने अनमोल थे जैसे सीपियों में हमको मोती मिल गया। आज भी याद है वो अपनी पहली मुलाकात, हर पल याद रहेगी सारी प्यारी प्यारी बात। कैसे होता था वो रूठने मनाने का सिलसिला, मैगी के एक पैकेट पे सारी बातों का ख़त्म होना, वो रिक्शे पे हम तीनों का सारा शहर घूमना, वो बुधवार के दिन चाट खाकर व्रत को तोड़ना, वो हंसते खेलते सारी मुश्किलों को हल कर लेना, वो कॉलेज बंक करके BHU का चक्कर लगाना, वो पूरे पूरे दिन साथ रहने के लिए, टाइम कोचिंग में बिताना। कितनी चाहत है इन लम्हों को फिर से जीने की, पर बस यही है कहना तुमसे, तुमसे प्यारा कोई नहीं। तुम जिसको मिलो वो करे मेरी बात को गौर, दुनिया की सारी खुशियों को करे तुम्हारे ओर, चांद तारे आसमान सब रखे तुम्हारे कदमों में फॉर श्योर। पता है थोड़ा ज़्यादा फिल्मी हो गया, सच है कि सांझी इज़ डिज़र्विंग थोड़ा थोड़ा और। जितनी भी सांझी से बात हुई है गौरव जी, आपके लिए वी कैन से यू आर द वन हु मेक हर हैप्पी रोज़ थोड़ा थोड़ा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तालियां होनी चाहिए ना। इतनी प्यारी लाइंस लिखी हैं इन्होंने और अब भावुक हो रही हैं खुशी के। अच्छा, वो आपने बुधवार को जो चाट खा करके व्रत तोड़ा ना, लेकिन एक एक चुपके से सांझी ने ना सोमवार के व्रत रखे थे, आपको पता नहीं चला, और देखिए गौरव मिल गए उनको। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारी लाइंस थी आपकी और बहुत ही प्यारा डेडिकेशन ब्यूटीफुल ब्राइड के लिए। स्टेज पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सिस्टर्स आने वाली हैं और उसके उनके साथ में ज्वाइन करने वाली हैं उन्हें ब्राइड, लेकिन तालियां आनी चाहिए प्लीज। एक बार तालियों का शोर थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, थोड़ी सी लाउडर होनी चाहिए। कौन आ रहा है? ये आ रहे हैं। देखो दिल पूरी